हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बैटरी परसेंटेज के बारे में, जैसे कि हम बैटरी परसेंटेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे फैंस। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेटस बार पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बैटरी परसेंटेज, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज। आप बैटरी परसेंटेज को इनसाइड बैटरी आइकन रखना चाहते हैं, आपका जो बैटरी आइकन है वो अंदर रखना चाहते हैं, या फिर इनसाइड बैटरी रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं, बाहर की साइड, आप देख सकते हैं डू नोट शो करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें और भी सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि बैटरी स्टाइल। बैटरी स्टाइल को आप हॉरिजेंटल में रखना चाहते हैं, वर्टिकल में रखना चाहते हैं, लूप में रखना चाहते हैं, या फिर डू नोट शो करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन, यानी कि नोटिफिकेशन आइकन को इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, नंबरिंग में शो करना चाहते हैं नोटिफिकेशन आइकन को, डू नोट शो करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपका वाईफाई या नेट ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है वो ऊपर शो करेगी इस तरीके से। और फैंस, इसमें और भी सेटिंग्स है जिसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फैंस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।